तो फील गेम फैमिली आज एक खतरनाक गेम प्ले में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि आज तीन तीन क्रेटोस जिन्होंने लास्ट टाइम रोमन ब्रॉक और सीना की टीम को हरा दिया था, वो भी बहुत ही आराम से, वही तीन क्रेटोस आज तीन तीन रोमन रेन से फाइट करने वाले हैं। तो जब से तीन तीन क्रेटोस ने WWE सुपरस्टार्स को हराया था, तो आप में से बहुत लोगों की डिमांड थी कि तीन क्रेटोस का मैच तीन रोमन रेन्स के साथ हो और देख लिया जाए कि 2K22 के अंदर ज्यादा बेस्ट कौन है, द गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस या फिर द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। तो आज के गेम प्ले बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, और जब तक ये गेम प्ले स्टार्ट हो रहा है, फील गेम फैमिली को अपना काम पता है, तो फटाक से वीडियो को लाइक कर लो, और अगर आप नए हो और फील गेम फैमिली के मेंबर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन साथ ही साथ दबा लो। तो रेसलमेनिया 31 वाले बिग डॉग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैच। वैसे आप लोग भी कमेंट करके अपनी प्रेडिक्शन लिख सकते हो, क्या लगता है आज क्रेटोस की टीम फिर से जीतने वाली है या फिर तीन तीन रोमन रेंस अपना गॉड मोड एक्टिवेट करेंगे। रोमन के पास है गॉड मोड, तो क्रेटोस के पास है स्पार्टन रेज। क्रेटोस अपने हथियार यूज नहीं कर सकते, ब्लेड ऑफ क्योस, लेवाइथन एक्स कुछ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जान से नहीं मारना है क्रेटोस, सिर्फ पिनफॉल या सबमिशन से एलिमिनेट कर सकते हो क्रेटोस। ऐसे क्रेटोस सिर्फ जान से मार के ही एलिमिनेट करते हैं। अच्छा, रोमन के पास गॉड मोड है और क्रेटोस गॉड किलर है। ओ भाई, तीन तीन फिनिशर दोनों के पास है, लेकिन दोनों ने अभी तक अटेम्प्ट भी नहीं किया फिनिशर देने का। बाकी दोनों रोमन के पास ग्लिटिन है जो बाहर खड़े हुए हैं, क्योंकि वो ट्राइबल चीफ है, लेकिन रिंग के अंदर वाला रोमन क्योंकि बिग डॉग है तो इसके पास फिनिशर सिर्फ स्पीयर है, तो ग्लिटिन की उम्मीद मत रखना, लेकिन स्पीयर दे सकते हैं। रोमन डोमिनेट कर रहे हैं, लास्ट टाइम बहुत पिटे थे, स्पीयर देने जा रहे हैं, पहला फिनिशर मैच का। क्रेटोस रिवर्स करेंगे या स्पीयर लगेगा? स्पीयर नहीं लगा, क्रेटोस ने रिवर्स कर दिया है, घुटना मारा मुंह पे, ये क्रेटोस का फिनिशर। आई थिंक F5 देने जा रहे थे, लेकिन रोमन बीच में रोक लिया। रोमन ने सुप्लेक्स, टैग देने जाओ, बिग डॉग को टैग देना चाहिए था, अभी टैग देकर अपनी हेल्थ रिकवर करो, लेकिन कोई बात नहीं, क्रेटोस का हेड डैमेज कर दिया। भाई भाई भाई, आज बराबरी के टक्कर दे रहे हैं, ये दूसरी बार स्पीयर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं बिग डॉग, इस बार ही मुझे लगता है लगेगा। रिवर्स नहीं हुआ है, स्पीयर कनेक्ट हो गया, बॉडी येलो, सर भी येलो। रोमन अभी भारी पड़ रहे हैं स्टार्टिंग में, याद है लास्ट टाइम क्रेटोस भारी पड़ रहे थे, ऑलमोस्ट 3 तक पिनफॉल होने लगा है। क्रेटोस थोड़ा संभल गए, लास्ट टाइम बहुत डोमिनेट किया था, और अब आ रहे ट्राइबल चीफ, गिलिटीन और स्पीयर दोनों लेकर। क्रेटोस स्टार्टिंग में तब पिट जाएंगे, मुझे लगा नहीं था, ये जो जवान वाला क्रेटोस है ना जो बाहर खड़ा हुआ है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है तीनों में, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखना। ओ हो, रिंग पर भी पटक गया, फर्स्ट एलिमिनेशन मुझे लग रहा है कि क्रेटोस का हो जाएगा, अगर टैग नहीं दिया तो। टैग देने नहीं दे रहे हैं, क्रेटोस को भागना चाहिए। हाँ, जवान वाले क्रेटोस को अगर टैग मिला ना, उसको मिला नहीं अभी तक, वही ज्यादा खतरनाक है। ओ, रोमन को ही उल्टा स्पीयर, खतरनाक। क्रेटोस की भी टीम ने फर्स्ट फिनिशर लगा दिया है, लेकिन ट्राइबल चीफ की बॉडी डैमेज नहीं है, एक क्रेटोस डैमेज हो चुके हैं, पर रोमन की तरफ अभी तीनों की हेल्थ है, और जो रोमन पिटे भी हैं उनका बॉडी पार्ट डैमेज नहीं है। जवान वाले क्रेटोस को टैग मिल गया है फाइनली, अब मुझे लग रहा है कि रोमन पिटने वाले हैं। क्रेटोस और रोमन दोनों की टीम फिनिशर बचा के रख रही है लास्ट में देने के लिए, ताकि तुरंत एलिमिनेशन होता है लास्ट में, जब पिट जाता है कोई और फिनिशर लगा। ओ हो, स्टाइल भी रोमन को बोल दिया डाउन, टैग देने का मौका मिला था रोमन को, लेकिन दे नहीं पाए। अब मुझे लगता है फिनिशर लगा रहे भाई क्रेटोस। इस फोर वे स्लैम के बाद रोमन की बॉडी इंजर्ड हो सकती है, येलो हो गई है, रोमन की बॉडी येलो हो गई है, अगर फिनिशर लगा तो नॉकआउट हो सकते हैं फिनिशर। आई थिंक ये फिनिशर है, गए, बचे हैं अभी तक, बचे हुए, पिनफॉल नहीं होना चाहिए, बिग डॉग ने बचा लिया, लेकिन ऐसे भी पिनफॉल नहीं होने वाला था। अब रोमन पिट रहे, स्टार्टिंग में क्रेटोस पिट रहे थे, अब रोमन की टीम पिट रही है फिलहाल। ट्राइबल चीफ को अब अपनी हेल्थ रिकवर करना चाहिए, दूसरे वाले ट्राइबल चीफ को देना चाहिए टैग। 2022 वाले रोमन को टैग मिल गया, रेड ग्लव्स, लाल जूता, अब देखते हैं कि ये रोमन क्या कमाल दिखा दे ले। कमाल दिखाने से पहले ही हालत, ओ नहीं नहीं नहीं, रिवर्स कर दिया रोमन ने, ये वाले रोमन लगता है कमाल दिखाएंगे। अगर जवान वाले क्रेटोस को एलिमिनेट कर दिया ना किसी तरह से रोमन ने, तब रोमन की टीम जीत सकती है, क्योंकि यही जवान वाले क्रेटोस की वजह से ही लास्ट टाइम क्रेटोस की टीम जीती थी, तो इसको एलिमिनेट करना ज्यादा मुश्किल है। दोनों ही टीम से अभी तक एक भी एलिमिनेशन नहीं हुआ है, गिलिटिन लगा दिया, लेकिन एक गिलिटिन से क्या ही होगा, क्रेटोस का हेड तक येलो नहीं हुआ है, एक गिलिटिन में जवान वाले क्रेटोस का कुछ नहीं होने वाला है, पिनफॉल नहीं होने वाला, अभी पिनफॉल होगा वो नहीं, भाई ऐसा लगा कि पिनफॉल होने वाला है। दो क्रेटोस पिट गए, दो रोमन पिट गए, भाई ये इक्वल चल रहा है दोनों, समझ में नहीं आ रहा है किसकी टीम जीतेगी।
स्पीयर के लिए जा रहे, ये स्पीयर लगा नहीं, मुझे नहीं लगता ये स्पीयर के बाद भी जवान वाले क्रेटोस का दो फिनिशर में कुछ नहीं होने वाला है, लगा भी नहीं रिवर्स कर दिया, ऐसे दो फिनिशर लग भी जाता तब भी जवान वाले क्रेटोस को ज्यादा कुछ होता नहीं। रोमन की टीम ने मोमेंटम गेन कर लिया है, फिलहाल अभी रोमन की टीम भारी पड़ रही है, सिग्नेचर फिनिशर के लिए जाना चाहिए। सुपरमैन पंच के लिए जो और टैग दोनों, अच्छा दोनों ने बिग डॉग ने टैग क्यों नहीं दिया, पड़ गया ना F5, दे देना चाहिए था टैग, लगता है बिग डॉग का टाटा बूम बच गए, बॉडी ऑरेंज हो गई है, पिनफॉल हो सकता है, किक आउट कर दिया, लेकिन एक और फिनिशर पड़ा ना तो खत्म खेल, लगा दिया F5, खत्म बिग डॉग एलिमिनेट हो गए, दोनों ट्राइबल चीफ बचेंगे, बूम एलिमिनेट, ये तो होना ही था, नहीं तो पिनफॉल हो जाता, एक रोमन एलिमिनेट हो गए, अच्छा जा रहे थे रोमन लेकिन एलिमिनेट हो गए, फिनिशर बचा के इतनी रखने की क्या जरूरत थी, इसी चक्कर में एलिमिनेट हुए, फिनिशर देना चाहिए था, सिग्नेचर ही लगा देते। अभी फिलहाल क्रेटोस की टीम जीत रही है, 3-on-2 का मैच है, लेकिन सामने दो दो ट्राइबल चीफ है जिसमें से एक थोड़ा पिट गए, अगर इनको ही फिनिशर लगा तो ये ट्राइबल चीफ भी एलिमिनेट हो सकते हैं। अब बहुत ही संभाल के खेलना होगा रोमन को, लास्ट टाइम की हार का बदला लेना है या नहीं, लाल ग्लव्स वाले रोमन को अभी तक जरा सी भी मार नहीं पड़ी है तो ये थोड़ा सा एडवांटेज है, अगर ये रोमन भी पिट गया ना तब तो समझ लो कि रोमन की टीम गई, क्योंकि एक पहले पिट चुके हैं, क्रेटोस के पास एक फिनिशर और एक सिग्नेचर और बाकी है, डबल टीम के लिए ले जा रहे थे लेकिन ये क्या कर दिया, कॉर्नर में फेंक भी सकते हो, ड्रैग करने के अलावा फेंकने का भी ऑप्शन था, बॉडी ऑरेंज सर ऑरेंज, ये वाले क्रेटोस एलिमिनेट हो सकते हैं, दोनों ट्राइबल चीफ अच्छा खेल रहे हैं, टैग पे टैग चल रहा है दोनों का, अपनी हेल्थ रिकवर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, वो गिलिटीन बचा लिया भाई, अभी गिलिटीन लगता तो शायद एक क्रेटोस एलिमिनेट होते, लेकिन गिलिटीन रिवर्स कर दिया है, रेसलमेनिया 38 वाले रोमन की हेल्थ है, लेकिन ये वाले रोमन भी पिट गए जो 2K22 के ओरिजिनल ट्राइबल चीफ है, बॉडी ऑरेंज हो रखी है भाई, क्रेटोस आखिरकार ड्रैग करके अपने कॉर्नर में ले गए, डबल टीम अप, दो दो क्रेटोस मिलकर, ट्राइबल चीफ गए लगता है, सर से खून भी निकल गया, एक और फिनिशर लगा, एक और ट्राइबल चीफ एलिमिनेट, बॉडी लाल सर येल्लो भाई, कभी भी एलिमिनेट हो सकते हैं, जीत रहे थे अच्छा जा रहे थे लेकिन गड़बड़ कर दी, ऐसे ही रोमन की भी गलती नहीं, क्योंकि अगर फिनिशर दे रहे तो क्रेटोस रिवर्स कर दे रहे, क्रेटोस ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं, रोमन को और ज्यादा अच्छा खेलना होगा अगर जीतना है तो, और मुझे रेसलमेनिया 38 वाले रोमन पे ज्यादा यकीन है, पता है आज मैंने परफॉर्मेंस देखी है ना, मारी नहीं खा रहे रेसलमेनिया 38 वाले, ये वाले रोमन मैंने ज्यादा लिया नहीं है, ये रोमन आ रहे थोड़ा सा पीट रहे क्रेटोस को और चले जा रहे हैं, तब से यही चल रहा है, ये देख लो उठा उठा के पटकना चालू, ये वाले क्रेटोस का सबसे कम ओवरऑल है 75 है, तो इसको एलिमिनेट करना थोड़ा आसान हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल तो देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी भी क्रेटोस को एलिमिनेट करना आसान नहीं है, दूर दूर तक नहीं, टॉप रोप पे इतना देर वेट करने की क्या जरूरत थी, रोमन गिरा दिया क्रेटोस ने, अभी भी लेकिन स्टंड है, अच्छा मौका है, अगर ये वाले रोमन पिट गया ना तब तो समझ लेना भाई रोमन की टीम की आखिरी उम्मीद चली गई, ये क्या कर रहे हैं, रिंग बाहर ले जा रहे क्या, नहीं रिंग के अंदर ही मार रहे क्रेटोस को, गिलिटीन और स्पीयर नाम की चीज है रोमन के पास, मुझे लगता है कि शायद रोमन भूल गया है और इसी चक्कर में हारेंगे, क्या हो गया रोमन को आज, इतना फिनिशर बचा के रखेंगे तब तो आज डेफिनेटली रोमन हारने वाले हैं, सिग्नेचर फिनिशर भर भर के आ गया है, अरे यूज करो डबल टीम अप क्रेटोस के ऊपर, सर पे खून सवार है रोमन का, देख रहे हो ना सर से खून निकल रहा है, ये क्रेटोस थोड़े छोटे नहीं लग रहे, आई थिंक छोटे लग रहे हैं, जिसने बनाया उसने आई थिंक क्रेटोस का मतलब हाइट सही से एनालाइज नहीं किया था, और स्पीयर लग गया, एलिमिनेट हो गए फाइनली, एक क्रेटोस एलिमिनेट हुए, दो रोमन दो क्रेटोस, लेकिन अभी भी मेरे को लग रहा है कि क्रेटोस जीत रहे हैं, रोमन ने अपना गॉड मोड एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है, क्रेटोस गए बाहर, क्रेटोस को भी स्पार्टन रेज एक्टिवेट करना होगा, जवान वाला क्रेटोस जब तक है ना तब तक क्रेटोस की टीम मान के चलो कि जीत रही है, पांच ही काउंट है, दोनों अंदर जाओ, टेक डाउन करो, अंदर जाओ, अंदर लेके जाओ क्रेटोस, रिंग के बाहर ज्यादा वेट नहीं कर सकते, अंदर लेके जाओ या खुद ही चले जाओ, रोमन आ ही जाएंगे, रोमन अंदर जाने का प्लान नहीं है क्या, काउंट आउट से एलिमिनेट हो जाएंगे रोमन, आ जाओ चलो ठीक है, फाइनली क्रेटोस को उठा के बाहर फेंका था, क्रेटोस बदला ले रहे, क्रेटोस ने भी बाहर फेंक दिया, सही है दोनों का बदला चल रहा है, लेकिन इस चक्कर में काउंट आउट मत हो जाना, क्रेटोस गलत रोमन के पीछे जा रहे हो, ये वाले लीगल है, क्रेटोस अंदर चले गए खुद से, रोमन अंदर जाओ खुद से, अरे फिर बाहर, ये लोग पक्का, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि दोनों काउंट आउट होने के चक्कर में, डबल काउंट आउट हो जाएगा, ओके पावर बॉम्ब लगा दिया, ये क्रेटोस और ये वाले रोमन
दोनों पिट चुके, दोनों की हेल्थ है नहीं, एक एक फिनिशर के दोनों मेहमान है। डबल कॉन्ट्रोट से मत एलिमिनेट होना, नेटोस अंदर चो, रोमन अंदर चो। हाँ ठीक है, ये भी चलेगा। फिर से काउंट स्टार्ट हो रहा है। क्रेटोस नहीं चाहते कॉन्ट्रोट से जीतना, कॉन्ट्रोट से जीतने में क्या मजा है। क्रेटोस अब बदला ले रहे हैं, पावर बॉम्ब का बदला ले रहे हैं। भाई इन दोनों में कुछ ज्यादा ही बदला नहीं चल रहा है। अंदर जाने के दोनों का क्या सीन है, बाहरी रहना है क्या आज। और चालू लोग बार बार चार में वापस आ जा रहे हैं बाहर। अंदर जाओ, क्योंकि बाहर एलिमिनेशन होगा नहीं, नॉकआउट भी नहीं होगा बाहर। दोनों डबल काउंट आउट होने वाला है। रोमन अंदर था, फाइनल सेकंड पे अंदर पहुंच गए और स्पीयर लगा के एलिमिनेट कर दिया। रोमन की टीम ये मैच हार से जीत पे चली गई है, लेकिन अभी भी जवान वाले क्रेटोस बाकी है, और जब तक जवान वाले क्रेटोस है तब तक क्रेटोस की टीम जीत रही है। मुंह नोच दिया भाई, मुंह नोच दिया है। डबल चॉक स्लैम लेने जा रहे थे क्रेटोस, रोमन का लगता है गॉड मोड एक्टिवेट हो गया है। मैच हार रहे थे, अभी फिलहाल जीत रहे हैं। क्रेटोस के साथ 2-on-1 होने वाला है, और एक रोमन तो मार ही नहीं खाए ये वाले रोमन भाई। रेसलमेनिया 38 वाले आते हैं, थोड़ा सा मारते हैं फिर टैग दे देते हैं। ये ज्यादा चालू वाले रोमन है, ये देखना फिर जाएंगे टैग देने। मेरे को लगा था वो स्पीयर देने जा रहे हैं, कॉर्नर स्पीयर। ये क्रेटोस को लगा डैमेज हो जाएंगे ज्यादा, लग गया, कनेक्ट कर दिया है बॉडी येलो। सर येलो पिनफॉल नहीं होना चाहिए, लेकिन डैमेज कर दिया। रोमन की टीम जीत रही, पिनफॉल कर ले रेफरी, होने वाला तो है नहीं इतनी जल्दी। ओ भाई मेरे को लगा 3 हो गया भाई, भाई 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 अभी से 3 होने लगा, यानी कि क्रेटोस पिट गए, ऑलमोस्ट 3 था। क्रेटोस की टीम आज 3-3 रोमन पे भारी नहीं पड़ पाई, लेकिन जवान वाले क्रेटोस अभी भी बाकी है। देखो टैग इतना दिया ना ट्राइबल चीफ दोनों ने एक दूसरे को, इसीलिए ये देखो फिर से। अरे अब तो मारा भी नहीं था, लेकिन डिग्गी चलो। ये रेसलमेनिया 38 वाले रोमन ज्यादा सेफ है, क्योंकि ये पिटे ही नहीं, तो इनको एलिमिनेट करना थोड़ा मुश्किल होगा। गिलेटिन लगा दिया क्रेटोस को, एलिमिनेट हो गए। रोमन की टीम जीत गई है, यकीन नहीं हो रहा है मुझे। लास्ट टाइम 3 क्रेटोस ने कितनी आसानी से हराया था। तो आज 3-3 रोमन ने अच्छा खेला, ऐसे क्रेटोस ने भी अच्छा खेला था, लेकिन लास्ट में रोमन ने गॉड मोड एक्टिवेट करके जीत किया है। और अगर आपने कल की वीडियो मिस कर दी तो वो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, उसको भी जाके देख लेना। और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना मेरे भाई, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत अच्छा दिन है आज, आज शुभ दिन है। सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबा ही लो। बाय बाय, टेक केयर।